आपने अपने घर में पानी आते हुए देखा होगा। पानी वाटर टैप से आता है जो कि प्लास्टिक या मेटल का बना होता है। तो हम आज वाशर कैसे बदले, क्योंकि क्या होता है कि मेन रीजन जो है पानी के लीक होने का, वाशर का ठीक से फिट होना या वो घिस जाता है, उसको आसानी से हम वो बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप देखते हैं कि कैसे इसको हम वाशर बदलेंगे। ये हमारा नल है, हम यहाँ पे बेंच वाइज की सहायता से आपको बता रहे हैं। फिर टाइट करते हैं, फिर इसके स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसका कवर निकालते हैं। ये आपका ढक्कन निकल गया आसानी से। ढक्कन निकालने के बाद इसमें देखते हैं कि एक स्क्रू लगा हुआ है। स्क्रू निकालने के लिए आपके पास स्क्रू ड्राइवर आपके घर पास है, स्क्रू ड्राइवर से आप आसानी से जो है इस स्क्रू को आप खोल लीजिए। आसानी से पकड़िए और ये आपका धीरे धीरे खुल जाता है और उसको आप पाएंगे कि ये इस वाशर को आपको हटाना है, क्योंकि वाशर तो डैमेज हो गया है। तो आपको नया वाशर इस पे लगाइए और इसको फिट कर दीजिए दोबारा, और इस तरह से आप पाएंगे कि हमारा जो नल है ठीक हो जाता है, पानी बहना बंद हो जाता है। इसी तरह इसको आप इसको वापस लगाइए और इसको प्लायर की सहायता से आप इसको टाइट कर दीजिए और अच्छे से टाइट कर दीजिए जिससे कि पानी बहे। तो हम इसका ढक्कन इस पे लगा देते हैं, आपका नल फिट हो गया। बच्चों, मैंने आपको अभी एक प्लास्टिक के नल में वाशर बदलने का तरीका बताया है, उसी तरह जो मेटल के नल होते हैं इसको भी वाशर आप आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए दो तरह के टूल्स चाहिए, एक स्क्रू ड्राइवर एक प्लायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो नल का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है इसको आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से पूरा आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपने इसका ढक्कन निकाल दिया और अब हम क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर के साथ साथ यहाँ एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको खोलना बहुत ज़रूरी है। तो आप स्क्रू की सहायता से इसको आपने खोल लिया, इस तरह से आपका ये स्क्रू निकल जाता है। स्क्रू निकल जाता है तो आप देखते हैं कि इसका जो टॉप वाला पोर्शन है बॉडी का, ये देखिए हमने स्क्रू निकाल दिया। इसी तरह इसमें वाशर रहता है, इस वाशर को भी निकाल के अलग रख दिया और इसको मैंने धीरे धीरे अपने स्क्रू ड्राइवर के साथ से ये टॉप निकाल लिया। ठीक है, ये आपने आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये हमारा जो पोर्शन है जिसे हम स्पिंडल कहते हैं, इसमें वाशर लगा रहता है। इस वाशर को आप प्लायर की सहायता से आप धीरे धीरे इसको खोलेंगे और ये खुल जाएगा। तो आपने देखा कि ये आसानी से खुल सकता है, थोड़ा शुरू में टाइट रहेगा लेकिन आप कोशिश करेंगे तो खुल जाएगा। फिर इसको आप अपने हाथ से निकाल सकते हैं। ये आपका स्पिंडल कहते हैं, स्पिंडल का काम होता है पानी को जो है, ये देखिए यहाँ ये वाशर लगा हुआ है, ये वाशर घिस गया है, इसको हमें बदलना होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आसानी से इस वाशर को निकाल सकते हैं। ये देखिए वाशर हमारा निकल गया। इस वाशर को हमें बदलना होता है, ये क्या वाशर घिस जाता है, तो हमें इसको बदल देंगे तो हमारा ये पानी बहना बंद हो जाएगा। तो इसको हम आसानी से दूसरा वाशर लेंगे और इसको हम इसमें लगा देंगे। तो इसमें लगा देंगे और इसको हाथ से इसको आप टाइट कर दिया, लेवल आ गया। फिर वापस इस स्पिंडल को हम धीरे धीरे इसके इस खाँचे में जो नल है, नल का जो मेन बेस है उसमें हम इसको रख देंगे और धीरे धीरे फिर इस प्लायर की सहायता से हम इसको टाइट कर देंगे। और आपका ये स्पिंडल टाइट हो जाता है। जब ये टाइट हो जाता है फिर इसके बाद इसका जो टॉप है इसको वापस हम उस जगह पर रख देते हैं और जो आपका स्क्रू था
और स्क्रू को हम इसमें फिट करेंगे, वाशर लगाएंगे और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको हम टाइट कर देंगे। इसमें ध्यान नहीं देखना है कि ये सब चीज़ एक सिंगल अलाइनमेंट में हो, टेढ़ा ना लगे, और ये टाइट हो गया। और उसके बाद हमने इसका कवर जो है इसमें आसानी से हमने बंद कर दिया। अब आप अपने नल खोल सकते हैं, आपका पानी जो है चूहेगा नहीं। अब आपने देखा कि ये वाशर 2 रुपये का मिलता है, 5 रुपये का मिलता है, अपने घर में ये वाशर होना चाहिए। तो आसानी से आप जो है इस वाशर को बदल सकते हैं, और जो प्रॉब्लम आपके लिए परेशान हो रहे थे कि प्लम्बर नहीं आ रहा है, पानी बहता जा रहा है, तो आप आसानी से जो है इसको कर सकते हैं। और इसको आप धीरे धीरे कीजिए, इससे कोई चीज़ टूटे ना। हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, हाथों में ग्लव्स पहन लें, इससे और अच्छा रहेगा, जिससे आपको चोट ना लगे। और इस टूल को काम करने के बाद अपने टूल बॉक्स में रख दीजिए, और ये आपका वाशर रिप्लेसमेंट का काम आसानी से हो जाता है। अच्छा, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे इस वीडियो को दोबारा देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए, तो आप पाएंगे कि आप आसानी से जो है वॉशर घर में बदल सकते हैं। धन्यवाद।